हेलो, हाउ आर यू। चलिए, सभी बच्चों को वेलकम। तो हम लोग आज जो करने वाले हैं वो है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा लोग। अगर इसको अगर आप लोग करके जाते हो ना, डेफिनेटली आपको 2 to 3 क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे। 5 स्टार लगा लीजिए इस टॉपिक को, और जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी से आएंगे, है ना। डेफिनेटली अगर ये टॉपिक आता है तो इसी से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा आपका। तो ये टॉपिक बहुत ही शानदार है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, एक नीट के लिए क्रैश कोर्स लाया मैंने, है ना, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, 2000 रुपीज़ में आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा निचोड़, मतलब केमिस्ट्री का पूरा निचोड़ रहेगा। अगर आप पढ़ चुके हैं तो भी बेनिफिट है, नहीं पढ़े हैं तो और ज्यादा बेनिफिट है। और अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस क्रैश कोर्स को ले लीजिए और कर लीजिए बैठ के। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये सिर्फ लिमिटेड सीट के लिए ही है, बहुत ही कम बच्चों के लिए, मतलब जो पहले आएगा उन्हीं को मिलेगा। 30 स्टूडेंट्स के लिए ही है, जो पहले 30 बच्चे आएंगे उनके लिए फिर प्राइस बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर आप लोग 50 रुपीज़, मतलब चैप्टर में कोई दिक्कत है तो 50 रुपीज़ पर चैप्टर आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, इस वाले को तो मिस मत करना अगर कोई एक टॉपिक या कोई एक चैप्टर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, पूरे के पूरे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, पूरे के पूरी आपकी जो भी थ्योरी है वो कवर होगी। सारा चीज, ईच एंड एवरीथिंग आपको, मतलब जैसे कोर्स होता है ना प्रॉपर, वो आपको कराया जाएगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। तो क्या करना है, कैसे कॉन्टेक्ट करना है, तो ये नंबर है, लिख लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए। मतलब इस नंबर पे आप क्या करो, कांटेक्ट कर ही लो, व्हाट्सएप कर लो, टेलीग्राम कर लो, ठीक है। और ये चैनल है इंस्टाग्राम पे, अभी जस्ट बनाया हुआ है, नया नया चैनल है। बाकी आपको मेरे बारे में जानना है तो बहुत पुराना हूँ मैं, ठीक है। तो आप मेरे नाम सर्च कर सकते हो, कहीं भी सर्च करो आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। ये मेरे बारे में थोड़ा, एक्स फैकल्टी रेजोनेंस अन अकेडमी, 12+ ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये मेरे बारे में, अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आता है मैं ही हैंडल करूंगा केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री मैं ही हैंडल करूंगा। तो आपको सारी की सारी जो भी डाउट है, ईच एंड एवरीथिंग, आपको अगर मेरे से पढ़े हुए हो तो आपको पता ही हो कि एक भी डाउट मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, सारी की सारी डिटेल्स कवर करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये रही कोर्स के बारे में। अब हम लोग रुकते हैं डायरेक्ट प्रचार के बाद, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज जीरो, इनमें से बॉन्ड ऑर्डर किनका जीरो है। तो देखिए, इसको करने के लिए आपको सबसे झकास विधि बता देता हूं मैं। देखिए, चाचा चौधरी का आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, है ना, वही फॉर्मूला यहां पर भी लगेगा। देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज में 14 इलेक्ट्रॉन है तो उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। जैसे कि अगर इसका निकालना चाहे O2 का एटॉमिक नंबर 8, तो 2 है तो कितना हो जाएगा, 16, ठीक है ना। तो ऐसे ही किसी का 14 होगा, जैसे कि N2 का क्या होता है, 14 होता है ना। तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा, बस इतना याद रखना है। इसे बोलते हैं चाचा चौधरी का फॉर्मूला। अब अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, और ऊपर जाएंगे तो 13, फिर 12, 11, 10, 9, 8, है ना। तो अब करना क्या है आपको, अगर ये याद हो गया 14 का 3, तो बाकी सब में हाफ ऑफ कम करते चले जाओ और लिखते चले जाओ, हाफ ऑफ कम, आधा आधा कम करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2, है ना, 2 रहेगा सिर्फ। 17 का हो जाएगा 1.5, ये आपका 1, ये आपका 0.5 एंड 20 का 0। वैसे ही ऊपर की तरफ, ये 2.5, ये 2, ये 1.5, ये 1, ये आपका 0.5 और ये हो जाएगा 0। अब ऐसे ही ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब देखिए जरा ध्यान से इसको, तो अगर ये याद रखना है तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, 1 से 7 तक के लिए, बस इसी में ट्रिक है ना, आधा एक आधा 0, आधा एक आधा 0, आधा एक आधा, और फिर 8 का क्या आएगा, 0। तो ऐसे ही रखना है, आधा एक आधा 0, आधा एक आधा 0, और फिर ये
14 का 3, तो किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो। जैसे कि एफ टू की बात करें तो एफ टू का कितना होगा इलेक्ट्रॉन, तो 9 2 18, तो डेट इज 1, 18 का 1। वैसे ही आपका देखेंगे ओ टू का तो 16, तो 16 का कितना बता रखा है 2, तो ये हो जाएगा 2। ऐसी जिसकी भी स्पीसीज का निकालना चाहें उसका निकाल सकते हो। जैसे कि बी टू का निकालना चाहते हो तो इसका क्या हो जाएगा आपका 8, तो 8 का कितना है 0, तो डेट इज 0। वैसे ही लिथियम का निकालना चाहें तो 6, 6 का क्या हो जाएगा 1। तो ये रहे बॉन्ड ऑर्डर इनके। अब आपसे पूछ रहे हैं 0, तो 0 कौन है, तो 0 ये है, कौन है तो 0 ये है सी। अब बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। अब देखिए, अब एक और शॉर्ट ट्रिक्स, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक्स कुछ भी निकालना है निकालो, है ना। कैसे निकालेंगे तो बस आपको याद रखना है चाचा चौधरी के बाद कौन आता है, तो साबू, तो साबू का फॉर्मूला, मतलब ये याद कर लिया तो बस खत्म, है ना। क्योंकि साबू तो वैसे ही होता है, एक बार बस इंस्टेंटली धमाकेदार कर देता है। तो ये रहा साबू, साबू का फॉर्मूला है 2 6 14 18, ठीक है। अगर ये है ना, ये आपका आ गया ठीक है, तो डायमैग्नेटिज्म होगा। और अगर ये नहीं आया तो क्या होगा, पैरा होगा, सिंपल सी बात है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि जीरो जिसके बॉन्ड ऑर्डर रहते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता है मॉलिक्यूल, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। कौन कौन से होंगे तो इस टेबल को देख लीजिए कौन कौन से हैं, तो डेट इज 4 8 एंड 20। तो अब आपसे कुछ भी सवाल पूछे आप करने के लिए रेडी हो, ठीक है। बाकी एक और मेथड है लॉन्ग मेथड, वो हम लोग देखेंगे आगे भी और अभी सीख भी जाओगे। तो लॉन्ग मेथड की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको तो एग्जाम देना है, फटाफट क्वेश्चन करके भागना है ना। उसमें बैठ के सोच विचार नहीं करनी है, वहां पर लॉन्ग मेथड इस्तेमाल नहीं करना है, थ्योरी नहीं लिखनी है, थ्योरी से बचना है आपको, ठीक है, लॉन्ग मेथड से बचना है। तो देखिए अब एनओ, एनओ का कितना हुआ, तो एनओ का हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा क्या 14, ये कितना हो जाएगा आपका 16, एंड डेट इज 14। तो अब देखिए यहां पर क्या है, 14 तो डाइमैग्नेटिज्म है, तो ये क्या होंगे आपके 14 वाले तो कैंसिल हो गए, क्योंकि ये क्या है डाइमैग्नेटिज्म। आपसे पूछा क्या है पैरामैग्नेटिज्म, तो 15 और 16 बचे, तो देखिए 15 16 है नहीं, यहां नहीं है, तो फिर पैरामैग्नेटिज्म होगा। तो ये दोनों के दोनों क्या है, पैरामैग्नेटिज्म है। आप निकालिएगा पैरामैग्नेटिज्म ही निकलेगा, तो दोनों के दोनों ही करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन होंगे। तो यानी क्वेश्चन क्या है, 1 1 नहीं होगा, 2 होंगे, है ना। अब बात करते हैं थर्ड वन की, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ओ टू प्लस एंड सी टू रिस्पेक्टिवली आर। अब अगेन बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है ओ टू प्लस का, तो ये 16 और प्लस मतलब 16 में एक आप कम करिए तो क्या हो जाएगा 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर देखिए क्या होता है 2.5, तो डेट इज 2.5 यहाँ पर है आपका, एक ही है ना, उसके बाद किसी के नहीं है। चलिए सी टू का भी देख लेते हैं, सी टू हो गया 12, तो 12 का क्या हो जाएगा आपका 2, तो डेट इज 2। तो ये हो गया आपका थर्ड का ए पार्ट, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आराम से आप लोग कर पा रहे होंगे, है ना। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ वन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिज्म, अगेन पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म, तो सी ओ कितना हो गया, तो 8 और 6 14, है ना, और ये हो जाएगा 16 और एक 17, और ये हो जाएगा आपका 6 और 7 13 प्लस 14, है ना, और ये हो जाएगा आपका 8 और 7 15 प्लस है, तो ये हो जाएगा 14। तो आपसे पूछ रहा है पैरामैग्नेटिज्म कौन है, तो देखिए 14 वाले सारे डायमैग्नेटिज्म होते हैं, है ना, तो ये भी डाई, ये भी डाई, ये भी डाई, और इसमें 17 नहीं आया तो मतलब पैरामैग्नेटिज्म है, तो दिस इज पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए सेम बॉन्ड ऑर्डर यानी बॉन्ड ऑर्डर निकाल के पटकना है। अब इतने सारे आपको बता दिए, निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दीजिए, है ना, बहुत ही आसान तरीका। फिफ्थ वन, इसका आंसर मैं नहीं दे रहा, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। सिक्स्थ वन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। ये देखिए थोड़ा सा घुसा दिया है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, फिर भी कर लेते हैं। पूछ रहा है कि एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो देखिए वाटर के आपको बनाना आते ही होगा, नहीं आता है तो क्लास जरूर अटेंड करिए, आपको मॉलिक्यूल बनाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो दिस इज वाटर, तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो ये तो आपका क्या हो गया
मतलब करेक्ट नहीं हुआ है ना, और ऐसी बात करते BF3 का, तो ये थ्री बॉन्ड पेयर है पर लोन पेयर तो एक भी नहीं है इसके पास, तो दिस इज BF3। अब बात करते हैं NH2- की, तो ये रही आपकी NH2-, ये बना दिया मैंने NH2-, माइनस भी लगा देता हूँ, तो दिस इज माइनस। अब बात करते हैं PCl3 की, तो ये रहा आपका PCl3, एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया D1, है ना, सब आपको बना दिया मैंने। अब बात करते हैं सेवेंथ वन, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2- आयन द इलेक्ट्रॉन एड्स ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। देखिए O2 से आपका गया O2- में, है ना, तो क्या चेंज हुआ है ऑर्बिटल्स के अंदर, तो अब ये आपको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, लॉन्ग मेथड सिखाता हूँ आपको। वन एस सिग्मा, वन एस सिग्मा, वन एस सिग्मा, टू एस सिग्मा, टू एस, है ना, और फिर हो जाएगा आपका सिग्मा पी जेड, है ना, और उसके बाद आएगा आपका पाए PX, पाए PY, है ना, उसके बाद आएगा आपका, अब तो यहीं तक में शायद ये फिल हो जाएगा, ठीक है, चलिए भर के देखते हैं या आगे भी भर देते हैं। पाए स्टार PX, पाए स्टार PY, अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 16, तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, तो ये मैंने 10 तक भर दिया। अब ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 15 एंड 16, है ना, तो 15 एंड 16, तो ये रहा आपका किसका, ओ टू का। अब बात करते हैं किसकी, ओ टू माइनस की, तो अब माइनस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है ऐड करेंगे, तो यहाँ ऐड करेंगे, तो किस में ऐड हुआ है ये, तो पाई स्टार में, किस में ऐड हुआ है, पाई स्टार ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन पाई स्टार ऑर्बिटल। अब बात करते हैं एट्थ वन, इसका भी शॉर्ट है, अगर आप मेहनत करोगे थोड़ा सा 20-30 क्वेश्चन कर लोगे तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते थे पाई स्टार। अब बात करते हैं फोर डायोटिक डायटोमिक स्पीसीज आर लिस्टेड बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच द बॉन्ड ऑर्डर इन इंक्रीजिंग इन देम, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग में अरेंज करना है आपको, तो बहुत ही आसान तरीका है, कैसे अरेंज करेंगे, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर तो निकालना सीख ही गए होंगे आप, है ना, तो ये हो जाएगा कितना हो गया 12 प्लस 14, ये रहा आपका 14 इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपका 8 से 15, है ना, अब 14 का आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, तो अब सबसे मैक्सिमम यही आ गया, तो मेरे ख्याल से यही करेक्ट आंसर होगा, है ना, क्योंकि सब में क्या है कॉमन ही है ना, ये तो कम ही नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर ये है, फिर भी निकाल लो H2+ का क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4 और 1 है, तो ये रहा आपका 3, ठीक है, आधा एक आधा, है ना, आधा एक आधा, तो ये हो जाएगा आधा, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा बताइए 2.5, तो ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर, अरेंज भी कर सकते हो, तो ये अरेंज कर लेना आप लोग, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है DA। अब बात करते हैं नाइन्थ वन की, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सबसे पहले इसी को देखते हैं O2-2 का, यहां तक माइनस वन का कर लिया है, अब बात करते हैं माइनस टू का, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां डाले थे यहां डाल देते हैं, अब देखिए यहां पर सारे क्या हो गए फील्ड हो गए, सब में क्या है टू टू, है ना, सब में टू 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 हो गए, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डज नॉट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो डेट इज O2-, यानी पहले में ही आ गया, बाकी सबको भरना है, तो ऐसे भर के चेक कर लो आप, ठीक है ना, या पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म वाला कॉन्सेप्ट डाल दो, है ना, जो भी आपको शॉर्ट लगे, साबु डालना है साबु डाल लो, ये डालना है ये डाल लो, वो डालना है वो डाल लो, जो भी करना है आप कर लो, ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से। और ये देख लो बच्चा, ये जो आपके O2 वाले हैं, O2-2, O2+, है ना, इन सब का क्या आता है, क्वेश्चन आता है, इसी चार इसी तीन O2 वाले जो प्लस माइनस वाले हैं ना, इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन तो करके ही जाना, डेफिनेटली आएगा। अब बात करते हैं टेंथ, द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ B2 इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ,
अब बी2 की बात करते हैं, तो बी2 हो गया 10, कितना हो गया 10, पर आपको पता ही ऑक्सीजन से लेसर है, मतलब कम वाले हैं, है ना, नाइट्रोजन से भी नीचे वाले हैं, तो ये हो गया बोरोन आपका। अब इनसे नीचे है तो ये क्या हो जाता है, ये नहीं आता है, इसके पहले ये आ जाता है ना। तो अब इसको फील करेंगे तो 2 2 4 2 8 सॉरी 2 4 6 8, और यहां पर सिंगल आएगा 9 और ये रहा 10। अब बताइए कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो डेट इज 2, एक पी एक्स में और एक पी वाई में, और ऑर्बिटल कौन सा है आपका, पाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पी बी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 10th का ए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर पाओगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बिल्कुल। अगर नहीं समझ में आ रहा है रिपीट करके देखो एक बार और, मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं 11th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड लेंथ। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है बॉन्ड लेंथ वाला। अब बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये याद रख लेना है एक बात, और एक बात यहां से ये भी याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये भी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनिमम बॉन्ड लेंथ, इनमें से किसका बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगा। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। तो निकाल लीजिए बॉन्ड ऑर्डर, ये रहा आपका 16, ये रहा आपका 15, ये रहा आपका 17 और ये रहा आपका 18, तो ये इसका रहेगा 2.5, इसका भी सॉरी 14 का 3 तो 2 और ये रहा डेढ़, और ये हो जाएगा 15 तो 2.5, और ये हो जाएगा आपका 17 तो ये हो जाएगा 1, और ये 18 है तो ये हो जाएगा आपका 0 सॉरी 1.5, और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये आपके रहे बॉन्ड ऑर्डर का निकालने का, ठीक है ना, नहीं दी समझ में आ रहा है, ये रहा आपका टेबल है ना चंद्र चौधरी वाला, देख लो 18 का 1, 17 का 1.5, 16 का 2 है ना, 15 का 2.5, तो ये यहां से देख लो, तो ये रहा 15 का 2.5। तो सबसे मैक्सिमम कौन है, बी का ही बॉन्ड ऑर्डर सबसे मैक्सिमम है, तो इसका मिनिमम बॉन्ड लेंथ होगा, क्योंकि कैसा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 12 के, 12 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्ट्रॉन्ग ओ बॉन्ड, किसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग किसकी होगी, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगी। तो अभी आपने देखा है इनमें से किसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो ओ टू प्लस की, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 का इज ए, 12 का क्या हो जाएगा आपका ए। अब बात करते हैं 13 की, व्हेन ओ टू इज कन्वर्टेड इन टू ओ टू प्लस, अब ओ टू को ओ टू प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो पूछ रहा है पैरा मैग्नेटिक रिएक्शन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो ये 16 है और ये हो जाएगा 15, तो ये देखिए बॉन्ड ऑर्डर तो 2.5 आ रहा है, और इसका कितना होता है 2 होता है, तो आपको पता ही है कि अगर ये 2.5, आपको पता ही चल रहा हो ना कहाँ से ला रहा हूँ मैं इतना जल्दी, क्योंकि मुझे चाचा चौधरी वाला तेज दिमाग है ना तो इसलिए फटाफट लिख रहा हूँ मैं। तो 15 का हो जाएगा 2.5, ठीक है, और इसका हो जाएगा 2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जा रहा है, कन्वर्टेड इंटू ओ टू में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जा रहा है, तो यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, और इस वाले में भी फोर्थ ऑप्शन में भी क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर की, तो अपन ने क्या बोला था पीछे एक क्वेश्चन किया था है ना, ये वाले में ओ टू माइनस ओ टू वाले में, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जा रहे थे, इस वाले में जा रहे थे। अगर यहां मैं कम करता हूं इलेक्ट्रॉन है ना, कम करता हूं यानी ओ टू से भी कम करूंगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका लेस, क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 का डी। अब बात करते हैं, देखिए 13 तक ही अपन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं है ना, और बाकी के क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। तो होप सो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट हो कहीं पे भी डाउट हो आप व्हाट्सएप ये सब बता दिया हूँ, ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स आ रहा है,
2000 में, सिर्फ और सिर्फ 2000 में, इससे कम तो क्या ही होगा, और 50 रुपीज़ पर चैप्टर। ये तो माशाल्लाह है। अगर आप पर कोई टॉपिक छूट रही है तो आइए फटाफट ज्वाइन करिए, आपका डेफिनेटली यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, सिर्फ लिमिटेड सीट के लिए। ऐसा नहीं कि भर भर के आ जाओ, 10,000 20,000 है ना उनके लिए। मैं अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फिर ये वाली चीज़ नहीं रहेगी, सिर्फ शुरुआती बच्चों के लिए ही है, ठीक है? तो ध्यान रखिए, ज्वाइन करिए फटाफट, और फटाफट आइए आप लोग। तो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, और बने रहिए वन एंड ओनली PYQ चैनल पे। होप सो आपने इंजॉय किया हुआ वीडियो।